जो ये प्रशासनिक तंत्र है, जो सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है, और जो जिले से लेकर के तहसील से लेकर के जिसके ऊपर प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, जो नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना और जो सरकारी योजनाएं हैं उनको प्रॉपर तरीके से लागू करने के उनकी जिम्मेदारी होती है, अगर उस काडर में भी जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, वो मैंने आज अखबार में पढ़ा था, तो अगर वो अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शिथिलता होगी, और ये जो ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन है उसको तो सबको पालन करना ही चाहिए। हम लोग संगठन में काम करते हैं, उसमें भी हम लोग ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। ये तो प्रशासनिक तंत्र है, उसमें तो ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन जो है वो निश्चित रूप से सुनिश्चित होना चाहिए, और अगर कोई अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुंचा और उसके उसको अगर पत्र उसके अधिकारी ने लिखा और उसमें वो रिएक्शन में वही बात वो मिल करके उनको बता सकते थे, अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो कायदे की बात तो ये है। लेकिन उस पर जिस तरह से उनका रिएक्शन पत्र के माध्यम से कनिष्ठ अधिकारी का आया, ये कहीं ना कहीं इंडिसिप्लिन के दायरे में।